हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। इसमें न्योरा चल रहा है तो हम आपको व्रत में खाई जाने वाली हरी चटनी आपके साथ शेयर करेंगे। ये चटनी 3 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। चलिए बिना देर किए हुए हम बनाते हैं। लेकिन बनाने से पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमने एक जार लिया है और जार में सबसे पहले हम अपनी धुली हुई फ्रेश हरी धनिया है उसे हम डालेंगे तोड़ के। दो तीन हरी मिर्च, जिसे जैसी तीखी चटपटी जैसी भी चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं। और फिर हम हाफ टमाटर, अगर हम टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो हमारी लाल चटनी बन जाएगी, बस टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम हाफ टमाटर यूज कर रहे हैं। और ये 4-5 काली मिर्च के दाने, हाफ स्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 स्पून दही और फिर इसे हम पीस लेते हैं। हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने चटनी को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। आप खाने के चाय को और बढ़ा सकते हैं। आपने आलू उबाला है तो आलूओं में एक चम्मच डाल के आप झटपट खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने अनुभव सास बहू और दुनियादारी के साथ शेयर करिए। जय माता दी।